नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जैद अहमद और लोकतंत्र न्यूज पर आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश में इन दिनों बिजली आम आदमी से लेकर सरकार तक झटके पे झटके दिए जा रही है। आम आदमी जहां अघोषित बिजली कटौती और बढ़े हुए बिजली बिलों की वजह से झटके पे झटके सह रहा है, वहीं भाजपा के ही विधायकों द्वारा भाजपा सरकार पर अघोषित बिजली कटौती को लेकर सवाल खड़े कर सरकार को भी झटका दे दिया। आइए आपको दिखाते हैं हमारी ये खास खबर बिन करंट बिजली के झटके। बिजली के बढ़े हुए बिल लोगों को झटके पे झटके दिए जा रहे हैं, या यूं कहें कि बिजली के बढ़े हुए बिलों ने आम लोगों की नींदें उड़ा रखी है। कुछ उपभोक्ताओं का दावा है कि उनके घर में सिर्फ लाइट और पंखे जलते हैं, लेकिन बिल हजारों में आ गया। कुछ उपभोक्ता कहते हैं कि वो मजदूर पैसा है और बिल पिछले मुकाबले दुगने से तिगने आ रहे हैं, जिसके चलते ब्याज पे पैसा लेकर बिजली का बिल भर दिया, लेकिन फिर भी बिजली का बिल बढ़ते जा रहा है। बात सिर्फ आम आदमी तक सीमित नहीं है, बल्कि भाजपा सरकार के ही दो विधायक नारायण त्रिपाठी और राकेश गिरी ने भी अघोषित बिजली कटौती को लेकर सवाल खड़े करे हैं और सीएम को पत्र तक लिखा है, जिससे ऐसा लगता है कि अघोषित बिजली कटौती पर सरकार की मुसीबतें अब बढ़ते जा रही है। कितना बिल आया आपका? 3,300। तो क्या कहना है विद्युत कंपनी वालों का? कहना है तो भाई हमारे पास एक बल्ब जल रहा और एक पंखा जल रहा, उसके बाद भी कई फ्रिज नहीं, कहीं नहीं हमारे पास, कई शेगड़ी नहीं, हीटर नहीं, कहीं नहीं हमारे पास। मजदूर आदमी है, कितना बिल कैसे भरेंगे हम? बिजली बिल बहुत बढ़ के आ रहा है हर महीने, 4-5 महीने से बहुत परेशान हूँ। पहले 300-400 रुपए बिल आता था, अब अभी तो 5,000 से कम का बिल नहीं आ रहा है, हर महीने की स्लिप है मेरे पास। अभी ब्याज से पैसे भर भर के अभी तो परेशान हो रहा हूँ। एक महीने का बिल भरो नहीं, दूसरे महीने का बिल अभी तो फिर आके तैयार हो जाता है 5,000 का। क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर इंसान हूँ, गरीब इंसान हूँ, परेशान हो रहा हूँ, और क्या है, इतनी खपत भी नहीं है मेरे घर पे। वहीं जब हमने बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों से बात करी तो सेंधवा के DE आनंद अहिरवार कहते हैं कि ट्रैफिक के हिसाब से बिल दिया जा रहा है, बढ़े हुए बिजली बिलों जैसी कोई बात नहीं। वहीं बलवाड़ी के जूनियर इंजीनियर BD किराड़े कहते हैं कि रीडिंग के आधार पर अगर बिल है तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर उपभोक्ताओं को शक है कि मीटर खराब है तो वो टेस्टिंग का पैसा जमा करा दे, उसकी टेस्टिंग की जाएगी और अगर मीटर गलत होगा तो बदला जाएगा। वैसे बढ़े हुए बिजली के बिल नहीं आ रहे, जो मध्य प्रदेश नियामक आयोग का टैरिफ है उसके अनुसार ही बिल जारी हो रहे हैं और उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर लगे हुए हैं, मीटर के अनुसार जो रीडिंग आ रही है उसके अनुसार ही बिल जारी हो रहे हैं। टैरिफ का नॉमिनल बढ़ोतरी हुई है, उसके आधार पर जो नियामक आयोग ने जो टैरिफ बनाया है उसके अनुसार बिल जारी हो रहे हैं। कई उपभोक्ता का ये कहना है कि भाई 10-12 हज़ार तक बिजली बिल आ रहे, तो उसका निराकरण कैसे किया जाए? अगर मीटर में डिफॉल्ट होता था हम सुधारेंगे। अगर रीडिंग 12,000 तक का बिल आ रहा ना एक उपभोक्ता का, अगर रीडिंग होगी तो आएगा, हम उसको कुछ नहीं करता। खैर, अधिकारियों के दावे अपनी जगह अलग है, लेकिन अगर उपभोक्ता बढ़े हुए बिजली बिलों की बात कर रहा है तो इसकी भी